जो बांध जहाँ जर्जर स्थिति में है उसका जो सही तरीके से मरम्मत होना चाहिए प्रशासन के द्वारा और सरकार के द्वारा उस पर ध्यान नहीं दिया गया वह तभी तत्पर होते हैं जब बाढ़ और बारिश का समय होता है इमरजेंसी नंबर तो कोई लगता ही नहीं है ना कोई साधन है नहीं कोई आने के जाने का के, व्यवस्था है हाँ। एग्रीमेंट करने के बाद पैसे लेने की भी इस तरह से परेशानी होती है लोगों को कि लोग जो है सो महीनों जो है चक्कर लगाते हैं ऑफिस का और समय से पैसा नहीं मिलता है नहीं मिलता है जिसकी वजह से लोग जो है सो नाव देना नहीं चाहते हैं लेकिन हम बात कर रहे हैं लोगों से कि भाई जो नाव दें सोमाल को हम खुद जाकर बैठ के जो है वहाँ एग्रीमेंट करेंगे चूँकि यहाँ कम से कम पाँच सात नाव और घाट की जरूरत है तभी जो है सो लोग ये गांव तो आय से नहीं बहुत दिन से प्रभावित है बाढ़ हमेशा आता है लगभग जो है सो हम लोग होश के पहले से क्या भाई आय से नहीं आता है लेकिन अभी जो बाढ़ आया है ये जो है सो बेमौसम आ गया है जैसे हमेशा आता था जुलाई अगस्त के ई में इस बार आ गया जून में लोग प्रिपेयर नहीं थे और प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी कोई खास इंतजाम नहीं किया गया नो, एक दिन पहले ये ऐलान किया गया कि भाई ऐसा अनुमान है आप लोग जो है सो गाँव खाली करके उचले ऊँचे स्थान पर चले जाइए नो लोग ही किया लेकिन फिर भी आज जहाँ हम लोग जिस स्थल पर हैं गौसिया पंचायत और निमुईया पंचायत के में हम लोग चल रहे हैं यहाँ लगभग जो है सो दोनों पंचायत मिला के पचास गाँव बाढ़ से प्रभावित है नो और नाव की समुचित व्यवस्था प्रशासन द्वारा अभी तक नहीं की गई है मात्र तो जो है सो यहाँ दो नाव का व्यवस्था किया गया जो नाकाफ़ी है लोगों के आवागमन के लिए सारा फसल जो है सो डूबा हुआ है लोगों का माल मवेशी जो है सो निचले इलाके में है लोग परेशान हैं अभी हम आए हैं तो यहाँ स्थिति को देखते हुए सी से हमने बात किया है वो बोल रहे हैं कि भाई नाव उपलब्ध नहीं है नाव आने पर हम और नाव देंगे लेकिन हमने आग्रह किया उनसे कि भाई आप जो है सो प्राइवेट जो नाव है उसको लगाइए बोले हैं कि ठीक है समारे को अगर आप नाव अथी भिजवा देते हैं जितने लोग आएगा उसका हम एग्रीमेंट कर लेंगे एग्रीमेंट करके चलाएँगे इन प्रशासन जो है सो लोग नाव भी देना नहीं चाहते हैं क्योंकि नाव देने के बाद एग्रीमेंट करने के बाद पैसे लेने की भी इस तरह से परेशानी होती है लोगों को कि लोग जो है सो महीनों जो है चक्कर लगाते हैं ऑफिस का और समय से पैसा नहीं मिलता है नहीं मिलता है जिसकी वजह से लोग जो है सो नाव देना नहीं चाहते हैं लेकिन हम बात कर रहे हैं लोगों से कि भाई जो नाव दें सोमार को हम खुद जाके बैठ के जो है वहाँ एग्रीमेंट कराएंगे क्योंकि यहाँ कम से कम पाँच सात नाव की और इस घाट पर जरूरत है तभी जो है सो लोगों का कल्याण होगा अभी माल सब जो है सो मवेशी जो है ये है प्रशासन की तरफ से न कोई मवेशियों के चारा का व्यवस्था किया गया है न लोगों को इधर से निकालने की व्यवस्था की गई है और बाघ आने का जब बाघ आता है तभी प्रशासन सचेत होता है पिछले बार बांध टूटा था अभी भी गौसिया में पुरैना में और देवापुर में दबाव बना हुआ है कब बांध टूटेगा उस जो ऊपरी इलाका है वो भी प्रभावित होगा जब बाढ़ और बारिश का समय आता है तो प्रशासन जो है सचेत होता है उस वक्त मिट्टी बोई में भर के जो है सो लाने का काम करता है जिसके वजह से और ऊपर से जो है सो मौसमी बादल बारिश दोनों तरफ से लोग जो है सो परेशान होते हैं जिसका नतीजा है कि समय पर पैसे का दुरुपयोग होता है समय पर काम नहीं होने के वजह से और पैसा पानी में बहता है ये प्रशासन और सरकार की विफलता का परिणाम है तो ये माना जाए कि ये बेमौसम बाढ़ आने की वजह से ये सारी परेशानियां हो रही हैं। अगर पहले से पता होता या फिर टाइम से आता तो ये परेशानियां नहीं होती यहाँ के लोग सचेत हो जाते हाँ जो बाढ़ आने का जो समय है लोग उसमें प्रिपेयर रहते हैं कि भाई बाढ़ आएगा तो अपना सामान वाम निकाल के लोग ऊपरी इलाके में चले जाते हैं ये, ये है हाँ, हाँ ये आ गया डेढ़ दो महीना पहले इसमें प्रशासन की तरफ से उचित व्यवस्थाएं की जाती है ना व्यवस्था तो नहीं की जाती है हमेशा जो है लूजपूच व्यवस्था होती है अगर व्यवस्था किया जाता कोई अस्थायी इसका निदान किया जाता मुझे याद है कि दो हजार में जब बाढ़ आया था उस वक्त जो है सो यहाँ के प्रभारी मंत्री थे और विजय चौधरी जी उस वक्त बांध का निरीक्षण की एक बार बाढ़ आ गया बिशुत्री की बैठक थी बैठक के बाद जो है सब हम लोग आए तमाम लोग तो उस वक्त बोल्डर पिचिंग की बात की गई थी उसके बाद से सरकार चली गई फिर दूसरा सरकार आया और आज तक बोल्डर पिचिंग नहीं हुआ जो बांध जहाँ जर्जर स्थिति में है उसका जो सही तरीके से मरम्मत होना चाहिए प्रशासन के द्वारा और सरकार के द्वारा उस पर ध्यान नहीं दिया गया वह तभी तत्पर होते हैं जब बाढ़ और बारिश का समय होता है उसके पहले कोई भी प्रतिनिधि भी आवाज नहीं हाँ सही बात है ये भी बात सही है अगर उसके लिए आवाज़ उठाते उसके लिए कोई हंगामा करते तो हो सकता है कि प्रशासन और सरकार की नींद खुलती अच्छा यार यहाँ पे ना ही जो सरकार में है वही इसके इसके लिए आवाज़ उठाता है ना विपक्ष वाले ही नहीं उठाते नहीं, हैं कोई नहीं उठाता कोई, नहीं, कोई नहीं, किसी को कोई मतलब नहीं है अगर पिछले बार जैसे कि इलेक्शन था इलेक्शन के समय बाढ़ भी आया था तो उस समय बहुत सारे प्रतिनिधि भी आकर हेल्प किए होंगे इस बार कोई क्या अभी तो शायद हमको ये पता है कि अभी तक कोई यहाँ झाँके भी नहीं आया होगा हेलो विपक्षी दल के नाम पर आज पहली बार हम आए हैं यहाँ है हाँ नो कल भी आए थे लेकिन कल आए थे बाईस में जो है सो आदमी वहाँ सहारापुर मोर से वापस हो गया कस बाईस लगी होने आज हम आए हैं लेकिन अभी यहाँ पता चला है कि अभी तक न स्थानीय मुखिया ना सरपंच ना विधायक कोई नहीं आया है या जो है सो हारे हुए जीते हुए कोई प्रतिनिधि यहाँ नहीं आया हुआ चलिए परिचय कर दीजिए मोहम्मद कासिम उपाध्यक्ष प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ बिहार बात तो दो दिन पहले आया अचानक आया हम लोग का कोई व्यवस्था था नहीं दीघर में घर है हम लोग के आज दो, दो दो दिन बाद मैं जा रहा हूँ हाँ। बांध पर गए थे सब सामान ला के आप लोग देख ही रहे हैं उसके बाद यहाँ कोई साधन तो नहीं है हमारे साइड में मुनिया में सबसे छला में, में मेरा घर है उधर और कोई साधन नहीं है अग, सरकारी नाव है एक उसमें पानी निकलता है दो चार आदमी डाल के जाते हैं आते हैं निकलते हैं जाते हैं आते हैं उधर नाई की व्यवस्था कोई नहीं है अच्छा प्राइवेट नाई लेके भाड़ा पर पाँच सौ जैसा दूरी रहता है नज़दीकी रहता है वैसा चलता है तो अपना अपना सामान धोते हैं तो नाव के हिसाब से रहता है अच्छा जितना दूरी रहता है उस हिसाब से पैसा रहता है तो यहाँ पे तो बहुत सारे गरीब भी रहते होंगे जिनके पास तो खाने के भी पैसे नहीं होंगे उन लोगों तो काफी परेशानी होती होगी हाँ परेशानी तो है सर सरकारी सरकारी नाव जो है वो सब किसी को उपलब्ध नहीं होगा जल्दी जल्दी सर तो इसके लिए सरकार से कोई मांग नहीं किए हैं सरकार से मांग हम लोग करते ही नहीं इमरजेंसी नंबर तो कोई लगता ही नहीं है नहीं कोई साधन है नहीं कोई आने के जाने का व्यवस्था है